सुजुआ आतंकवादी हमले की जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंपने की तैयारी की जा रही है। आज मंगलवार को एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। होम मिनिस्ट्री इसे लेकर ऑफिशियल ऑर्डर जारी करेगी। इस बीच सुजुआ आतंकवादी हमला साजिश में पकड़े गए तीनों आरोपियों को सोमवार को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। इनमें शफीक शेख, इकबाल और बिलाल शामिल है। वहीं एनआईए की टीम ने भी सोमवार को सांबा जिले के सपवाल में पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस ने अपने लेवल पर मामले की लगभग जांच पूरी कर ली है, लेकिन अभी इस साजिश का मास्टरमाइंड आसिफ शेख गिरफ्त से बाहर है, इसलिए आगे की जांच एनआईए करेगी ताकि आसिफ तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने इस मामले में आरोपी इकबाल और ट्रक ड्राइवर बिलाल अहमद वागे के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया। इससे पहले शफीक शेख पर केस दर्ज किया गया था। एक दिन पहले इस मामले में एक ट्रक को जब्त किया गया जिसका ड्राइवर बिलाल था। वहीं बिलाल के सहयोगी ट्रक क्लीनर इशफाक चौपान से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने सोमवार को उस जगह का दौरा किया जहां से सुजुआ मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादियों को ट्रक में बिठाया गया था। एनआईए की टीम ने उक्त जगह से लेकर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर तक का मुआयना किया। इस हमले की साजिश का मास्टरमाइंड आसिफ शेख अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वह कश्मीर में है या फिर पाकिस्तान में, इसका भी कोई पता नहीं चल पाया है। लिहाजा उसकी तलाश में कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। कठुआ और सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई एक स्थान ऐसा है जहां से आतंकवादी बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। यह कोई सुरंग भी हो सकती है। एनआईए अपनी जाँच में इसी को बेस बनाएगी। यही इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर आतंकवादी कहां से घुस रहे हैं। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी भी सांबा में ही ट्रक में चढ़े थे, जबकि सुजुआ में मारे गए आतंकवादी भी सांबा से ही ट्रक में चढ़े। एक बात तो तय है कि आतंकवादी सांबा बॉर्डर से घुसे। अब इस सांबा बॉर्डर के किस पॉइंट से घुसे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को जाँच का प्रमुख आधार बनाकर एनआईए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।